लंबे समय से वैज्ञानिकों की एक टीम धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन तलाशने में जुटे हैं। इसके लिए चांद से लेकर मंगल तक रिसर्च हो रही है। अब लेटेस्ट रिसर्च में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जहां पर गर्मी कम है और जीवन की संभावना भी काफी बताई गई है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम वॉल्फ 1069b है। वैज्ञानिकों को यह धरती से करीब 31 प्रकाश वर्ष दूर मिला है। एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद हैं। ये ग्रह भी तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारे सौरमंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह लगभग पृथ्वी जैसा ही है। जर्मनी की मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की साइंटिस्ट डायना कोसाकोवस्की बताती है कि यह अपने स्टार के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और टीम को उम्मीद है कि इस पर वायुमंडल होने की काफी संभावनाएं हैं। डायना ने कहा कि एक्सोप्लैनेट पर बहुत अधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी नहीं मालूम होती है, इसलिए संभव है कि इसका वायुमंडल बचा हुआ है। एक स्टडी के मुताबिक वॉल्फ 1069b आकार और भार धरती के जितना ही मालूम होता है। यह अपने तारे का चक्कर लगभग 16 दिन में पूरा करता है। धरती जो चक्कर 365 दिनों में लगाती है, वह इसे केवल लगभग 16 दिनों में ही पूरा कर लेता है। ग्रह से जुड़ी खास बातों पर गौर करें तो ग्रह को खोजने में दुनिया भर के 50 वैज्ञानिक शामिल थे। यह अपने तारों के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। वॉल्फ 1069b की सतह ठंडी है। ये एक्सोप्लैनेट धरती से 1.26 गुना ज्यादा वजनी है। ये प्लैनेट धरती से 1.08 गुना बड़ा भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ग्रह अपने तारे के बहुत नजदीक है, लेकिन बावजूद इसके जो रेडिएशन धरती अपने तारे यानी कि सूरज से प्राप्त कर रही है, यह उसका केवल 65% ही रेडिएशन प्राप्त करता है। इसलिए इस ग्रह की सतह ठंडी है। यह देखने में नारंगी रंग का है। इससे पता चलता है कि इस पर गर्मी कम है, ऐसे में यहाँ रहा जा सकता है। यही नहीं, इस प्लैनेट में सतह का तापमान -95.15°C है, जबकि औसत तापमान की बात करें तो ये 40°C के आसपास है। सबसे ज्यादा सुकून देने वाली बात इस ग्रह पर पानी की संभावना है। बता दें, इस रिसर्च में लगभग 20 एक्सोप्लैनेट्स की खोज की गई, जिनमें से कुछ वैज्ञानिकों के खोजे गए सबसे रहने योग्य ग्रह माने जाते हैं। वहीं 1990 के दशक से अब तक लगभग 5000 एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है, जिनमें से केवल एक दर्जन को रहने योग्य माना जाता है।